बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने एक बेहद शर्मनाक हरकत की, जिसके चलते वे एक बार फिर विवादों में आ गए। राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली को जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गोपाल मंडल यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वे कपड़े उतारकर चड्डी बनियान में घूमते दिखे। गोपाल मंडल को इस तरह देखकर कोच में मौजूद दूसरे यात्री ने आपत्ति जताई और उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहा, लेकिन जेडीयू विधायक नहीं माने और उस यात्री के साथ गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरपीएफ जवान ने बताया कि यह घटना दिलदार नगर स्टेशन के पास हुई। दरअसल गोपाल मंडल तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में सफर कर रहे थे। उसी कोच में जहानाबाद के रहने वाले प्रहलाद पासवान अपने परिवार के साथ नई दिल्ली जा रहे थे, तभी उन्होंने जेडीयू विधायक को कपड़े उतारकर चड्डी बनियान में घूमते देखा। गोपाल चड्डी बनियान में टॉयलेट गए थे, जिसके बाद प्रहलाद ने आपत्ति जताई और महिला यात्री साथ में होने का हवाला दिया, लेकिन विधायक इस बात को समझने के बजाय नाराज हो गए और प्रहलाद को गालियां देने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और पूरे कोच में हंगामा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद आरपीएफ की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की रेल पुलिस को सूचना दी। जब ट्रेन वहां पहुंची तो उत्तर प्रदेश की रेल पुलिस आई और मामले की जांच की। हालांकि बाद में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा, वास्तविक में हम चड्डी बनियान में थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन में चढ़े मेरा पेट खराब हो गया। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, झूठ बोलता नहीं। झूठ बोलने से मुझे फांसी नहीं लग जाएगा। ये वास्तविक में हम अंडर वियर गंजी, जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है जैसे